हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे डिफेंस एकेडमी। मैं सोनी सिंह आज आपके सामने बहुत दिनों बाद आया हूं। तो आपका एक टॉपिक मैंने आपका यूट्यूब पर रह गया था, जिसका नाम था हम लोग करने वाले थे इंडियन हाईवेज। तो आज जो है हम इंडियन रेलवेज और इंडियन हाईवेज दोनों को विस्तार से बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं चाहता हूं सभी बच्चे एक बार जल्दी से जय महाकाल कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना, ठीक है, जिससे हमको देख करके दिल खुश हो जाए। और बताना वीडियो कैसा लगा। अब आपके सामने हम आ चुके हैं, अब फिर से आप लोग हमको साथ देते रहिए और धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जय महाकाल। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज पढ़ने वाले रेलवेज, तो सबसे पहला पॉइंट रेलवेज में, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा तो उसमें रेलवेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है, उनके हेडक्वार्टर से। कहां से? हेडक्वार्टर से। तो जल्दी से हम हेडक्वार्टर की एक बार लिस्ट देख लेते हैं। इसकी जो है ट्रिक भी है, ठीक, ट्रिक इस वीडियो में नहीं दूंगा, ठीक। आपको क्या करना है, इससे पहले जो हम लिस्ट बना के देंगे आपको, उस लिस्ट को मैप में, गूगल मैप में जो है आपके पास एक पॉलिटिकल मैप होना चाहिए इंडिया का, जिसमें आपको जो है कौन सी जगह पे कौन सा हेडक्वार्टर है ये आपको लिख करके हमको भेजना होगा, ठीक, तभी मजा आएगा। जिससे आपको कि जो पेपर देखते हैं तो पेपर में आपको मैप से भी पूछता है, जब तक आप मैप से देख के नहीं कर पाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आओ अब देखते हैं हम लोग जल्दी से एक बार जोन्स की तरफ। जय महाकाल। तो ये है हमारा कुछ जोन्स, ठीक है। अगर हम जोन्स को देखें तो सबसे पहला आता है आपका सेंट्रल रेलवे। जो सेंट्रल रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको कहां पे, मुंबई में। कहां पे? मुंबई में जो है सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। आगे आते हैं नॉर्थन रेलवे। जो नॉर्थन रेलवे है, अच्छा यहां पे लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगी, नॉर्थ क्या होता है साउथ क्या होता है, जल्दी से देखो। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, इधर ये वेस्ट और इधर ये ईस्ट। तो ये नॉर्दर्न हिस्सा हो गया, साउदर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, और ये जो होगा आपका ये पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट। इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो ये ऐसे हम लोग मैप्स को उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जल्दी जल्दी देखते हैं भैया। अब सेंट्रल रेलवे जो है, सॉरी, सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे, मुंबई में। नॉर्थन रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा दिल्ली में। दिल्ली में नॉर्थन रेलवे का हेडक्वार्टर है। आओ आगे की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। जो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ किधर, ये ऊपर का नॉर्थ, और ईस्टर्न किधर, इधर ईस्टर्न। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो ये जगह है, यहां पे जो हेडक्वार्टर पड़ता है वो पड़ता है कौन सा, गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, गुवाहाटी। कहां पे? गुवाहाटी में आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। बच्चों को अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत बढ़िया से विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो अब आते हैं ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है कोलकाता में। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, बात याद रखना, ठीक। साउथ ईस्टर्न रेलवे, देखो कोलकाता में दो हो गए, एक तो ईस्टर्न रेलवे का हो गया, दूसरा कौन सा, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ेगा आपको कहां पे, वो भी पड़ेगा कोलकाता में। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। जय महाकाल। साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में आपको मिलेगा साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। साउथर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, चेन्नई में है। आओ तो ये हो गया चेन्नई में। वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में, और यहां पे क्या था, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में। तो मुंबई में कौन कौन से, कोलकाता में दो हेडक्वार्टर हो गए और मुंबई में आपके दो हेडक्वार्टर हो गए।
मुंबई में कौन सा है? सेंट्रल रेलवे और एक आपका वेस्टर्न रेलवे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। जय महाकाल। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे वेस्टर्न रेलवे तो पहुंच गए, साउथ वेस्टर्न रेलवे। साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको हुबली में। कहां पे? हुबली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पिंक सिटी जयपुर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जबलपुर में। आगे की तरफ भैया, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको प्रयागराज यानी इलाहाबाद। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बिलासपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भुवनेश्वर। कहां पे? भुवनेश्वर। आगे की तरफ, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, कहां? ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा हाजीपुर। और मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे देखो तीसरा हेडक्वार्टर और आ गया, मेट्रो रेलवे, जो मेट्रो का जो रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको कोलकाता में, क्योंकि जो भारत की पहली मेट्रो जो चली थी वो चली थी कहां पे? कोलकाता में ही चली थी। ठीक, साउथ कोस्ट रेलवे, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका विशाखापट्टनम। तो कुल मिलाकर के भारत में 18 हेडक्वार्टर्स हैं रेलवे के। आपको क्या करना है? आपको एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है, पॉलिटिकल मैप लेना है, पॉलिटिकल मैप लेना है। और इस मैप में क्या करना है, जहां जहां पे हेडक्वार्टर्स हैं वहां वहां पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिल्ली में, दिल्ली में आपका नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, तो यहां पे लिखना है नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर और लिखना है दिल्ली मैप में। तो ऐसे करके जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनको आपको मैप में लिखना है और उसको 5 मिनट तक प्यारी नजरों से देखना है, खूब मन लगा के उसको खाली देखना है और उसको याद करना है कौन सा रेलवे किधर से आता है। मतलब नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ आएंगे तो पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा। तो ऐसे करके आपको जो है थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही सवाल हेडक्वार्टर से भाई साहब हमारे एनडीए पूछते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। जय महाकाल। जैसे अगर आप मैप में बना लेंगे तो हमको व्हाट्सएप कर देना, किस नंबर पे? 98413500 मेरा पे। ठीक, चलो आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो भारत की जो पहली रेलवे है वो कहां चली थी? जो भारत की हमारी पहली रेलवे चली थी वो चली थी मुंबई से, मुंबई से ठाणे की तरफ, मुंबई के पास ही पड़ता है ठाणे, तो वहां मुंबई से ठाणे तक चलने वाली पहली रेलवे है। अब यहां पे एक सवाल मैं दाग रहा हूं, सवाल ये है कि दूसरी रेलवे कहां चली थी? पहली रेलवे तो सबको पता होगा, दूसरी रेलवे कहां चली थी? तो दूसरी रेलवे देखो कहां चली थी, आप बताते हैं। तो सेकंड रेलवे है वो भी चली थी मुंबई से, लेकिन मुंबई से वो ठाणे नहीं, मुंबई से वो गई थी रानीगंज। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, दूसरी रेलवे आपकी मुंबई से रानीगंज के बीच में। और पहली भारत की इलेक्ट्रिक रेल, पहली भारत की इलेक्ट्रिक रेल, वही जिसमें एक तार लगा रहता है इसे करके, ऊपर तारों छुआ रहता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेल। वो जो ट्रेन होती है वो चली थी मुंबई से कुर्ला के बीच में, मुंबई से कुर्ला के बीच में। तो सारी ट्रेनें जो शुरुआत आएगा तो सबसे पहले सारी ट्रेनें कहां चली? मुंबई से चली, क्योंकि मुंबई क्या है? महानगर। आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। और भारत में जो है सबसे ज्यादा जो पटरियां बिछाई थी वो किसने बिछाई थी? वो थे हाँ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जब आए भारत में तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? पटरियां बिछवाई खूब बड़े स्तर पे। तो भारत में मैक्सिमम जो पटरियां बिछाई गई हैं वो उन्हीं के समय की हैं। किनके? लॉर्ड कर्जन के समय की हैं। आगे की तरफ भैया, लॉन्गेस्ट ट्रेन इज विवेक सागर फ्रॉम गुवाहाटी टू कन्याकुमारी। अगर हम देखें, आपके मन में कभी जब प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपके मन में एक सवाल आता है, सवाल ये आता है कि जैसे मान लो अगर हमको जाना है लखनऊ से बेंगलोर SSB देने,
तो हमको लगता है 2 दिन। तो अगर मान लो कोई बच्चा जो है, अगर कुछ ऐसा हो कि कौन सी ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा समय लेती है, समान मन में सबके मन में आता होगा, तो उसका आंसर आज हम देने वाले हैं। उस ट्रेन का नाम है विवेक सागर एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक सागर एक्सप्रेस, जो आपका गुवाहाटी से निकलती है और कन्याकुमारी में जाकर के रुक जाती है। गुवाहाटी से कन्याकुमारी चलती है और सबसे ज्यादा समय लेती है पहुंचने में, जितनी रेलवे हैं उन सब में से सबसे ज्यादा समय लेती है वो आपकी विवेक सागर एक्सप्रेस ही है। आगे की तरफ भैया, ये तो हो गई पहली ट्रेन। दूसरी कौन सी है जो सबसे ज्यादा समय लेती है? दूसरी जो है उसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। ये जो है आपकी चलती है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अब आपके मन में यहां पे एक सवाल जो है उछल रहा होगा कि ये तो निकलती है गुवाहाटी से और ये निकलती है श्रीनगर से, इसकी डिस्टेंस तो ज्यादा है, इसके डिस्टेंस कम है। हाँ भले डिस्टेंस कम है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है जो ये भाई साहब है ना विवेक सागर वाले, ये बड़ा विवेक से चलते हैं, घूमते घुमाते हुए आते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको ज्यादा समय लगता है। और ये भाई साहब थोड़ा कम घूमते घुमाते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। भारत में जो है कुछ लग्जूरियस ट्रेन भी चलती हैं, लग्जूरियस ट्रेन, वो ट्रेन जिसमें अगर आप सफर करेंगे तो उसका जो पैसा पड़ता है करीबन 1 से 2 लाख रुपए पड़ता है उस ट्रेन में चढ़ने का, तो बहुत महंगा वो सिस्टम है। तो उन जो ट्रेन से, तो वो ट्रेन कौन कौन सी है जल्दी से उनको एक बार देख लेते हैं। पहली आती है जिसका नाम है डेक्कन क्वीन। क्या नाम है? डेक्कन क्वीन नाम की जो ट्रेन है वो एक लग्जूरियस ट्रेन है। दूसरी, इसका नाम तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। और तीसरी, रॉयल राजस्थान। और चौथी, जिसका नाम आपने काफी सारे टीवी में भी देखा होगा और इसके बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है, वो ट्रेन कौन सी है? महाराजा एक्सप्रेस। और आखिरी, फेरी क्वीन। और लास्ट आती है गोल्डन चैरियट। तो ये कुछ हमारी भारत की, इंडियन रेलवेज की लग्जूरियस ट्रेन में इनका नाम आता है। आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं। यूनेस्को, जी हां यूनेस्को, जो बच्चों का, जिन बच्चों को यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है वो बच्चे हमको जो है डिस्क्रिप्शन में हमको बताएंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये जो है यूनेस्को ने जो है, यूनेस्को की जो लिस्ट है, अभी जल्दी ही यूनेस्को की लिस्ट में राजस्थान को जोड़ा गया है, सॉरी जयपुर को जोड़ा गया है। तो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें कुछ भारतीय रेलवे की कुछ चीजें जो हैं उसमें आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आपका आता है दार्जिलिंग रेलवे। कौन सा? दार्जिलिंग की जो रेलवेज हैं वो आती हैं आपके किसमें? यूनेस्को की लिस्ट में। और उसको दिखा लेते हैं, उसको दर्शन कर लेते हैं जल्दी से। ये है आपकी दार्जिलिंग रेलवे, कुछ ऐसी दिखती है, दार्जिलिंग शहर के बीच में से ऐसे ये निकलते हुए आ जाती है, काफी देखने में काफी सुंदर लगती है, आप लोगों ने काफी सारी पिक्चरों में भी इनको देखा होगा, ठीक है। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं अलग अलग जगह पे, उनको भी देखने वाले हैं, ठीक है, आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, दूसरी आती है, दूसरा आती ट्रेन नहीं है वो, दूसरा जो है वो स्टेशन है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वो कहाँ पे है? वो पड़ता है आपके मुंबई में। आओ एक बार जल्दी से उसका भी दर्शन कर लेते हैं। जय महाकाल। हाँ, तो दूसरा जो है वो है ये, रावण पिक्चर देखी होगी तो उसमें जब वो ट्रेन नहीं रोक पाता है तो आकर के इसी से लड़ती है और ये गिर जाता है उस पिक्चर में, ठीक है। तो यही वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यहीं पे जो है आपका क्या है, इसको जोड़ा गया है यूनेस्को की लिस्ट में। आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं। आगे की तरफ तीसरा आता है ब्लू माउंटेन रेलवे।
ठीक है, ब्लू माउंटेन रेलवे, ये भी आती है यूनेस्को की लिस्ट में, इसको भी देख लेते जल्दी से। तो ये है आपकी ब्लू माउंटेन रेलवे, ये देख रहे हैं काफी सुंदर ट्रेन लगती है ये सब, इन्हीं सब पे काफी सारे पिक्चर गाने वाने सब बने हुए हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग जानते होंगे इन सब चीजों को। चलो आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी आता है कालिका शिमला रेलवे। शिमला में जो ट्रेन चलती है उनको बोलते हैं कालिका शिमला रेलवे। असल में ये सब जो ट्रेनें हैं ये सब टूरिस्ट ट्रेनें हैं, टूरिस्ट को काफी अच्छी लगती है, तो उनको भी देख लेते जल्दी से कालिका शिमला को। तो ये है कालिका शिमला रेलवे, काफी सुंदर ट्रेनें होती हैं सब। तो ये है आपकी कालिका शिमला रेलवे, और ये भी आपकी लिस्ट में आती है यूनेस्को की लिस्ट में। आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जय महाकाल। तो यहां पे हमारा समाप्त करते हैं हम आपका आज का किसका रेलवे का टॉपिक। तो रेलवे में जितना था उतना हम लोगों ने देखा, अब बढ़ते हैं हमारा जो टॉपिक रह गया था उसकी तरफ। टॉपिक क्या है? वो है नेशनल हाईवेज। क्या है? नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज काफी हम लोग बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम चाहते हैं आप लोग कमेंट में लिख के दिखाएं जय महाकाल। और जो बच्चे पहली बार हमको देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं उनको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और लाइक और शेयर करना है टपाटप टपाटप। आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल हाईवेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंडियन हाईवेज के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है वो पॉइंट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़कें मिलती हैं, कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो में वहां जो सड़कें थी वो थी आपकी 10 मीटर की चौड़ी। उस समय के हिसाब से भैया ये जो सड़कें हैं बहुत ही चौड़ी मिलती हैं, ठीक है। अब एक सवाल और यहां पे, दूसरा पॉइंट ये है कि जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो पहला जीटी रोड था वो रोड कहां से कहां तक जाती है? वो रोड जाती है आपकी पेशावर से, कहां से? पेशावर, जो इस समय पाकिस्तान में, पेशावर से सासाराम तक ये जो पहला हमारा जीटी रोड आता था। फिर दूसरी जीटी रोड आ गई, वो आपकी आती है पेशावर से कोलकाता तक जाती थी, ठीक है। तो ये दो जीटी रोड्स हैं, यही जीटी रोड थी, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था सेकंड जीटी रोड में, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, जय महाकाल। एकदम टपाटप लाइक शेयर करते रहो, मजा आता रहे, ठीक है, खूब दिल खुश करते रहो, इतना बढ़िया कंटेंट लेके आए, मजा आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, NH1 नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 जो है वो आपका जोड़ता है अमृतसर, अमृतसर को दिल्ली से। अब यहां पे अमृतसर एक्चुअली नहीं है, अमृतसर के पास पड़ता है अटारी बॉर्डर, तो अटारी बॉर्डर से ये शुरू हो जाता है और ये जाता है दिल्ली तक, आपका कौन सा? नेशनल हाईवे 1, ठीक। अगला आता है नेशनल हाईवे 2, जो आपका ये नेशनल हाईवे 2 है ना, ये चलता है आपका दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से कोलकाता आपका आता है नेशनल हाईवे 2। अब आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं, नेशनल हाईवे 1A। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था वो था नेशनल हाईवे 1, और ये जो है वो है नेशनल हाईवे 1A। ये आपका जाता है जलंधर, जलंधर से उरी तक, उरी में असल में श्रीनगर के पास उरी तक, वहां तक ये जाता है, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल हाईवेज के बारे में। भारत में तो है बहुत सारे नेशनल हाईवेज आपको मिलेंगे, तो हम सारे नहीं पढ़ेंगे ना, आपसे सारे पूछेगा, जो जिन ऐसे नेशनल हाईवे पूछेगा जिनके बारे में कुछ खासियतें हों वही आपसे पूछेगा, ठीक है, तो हम केवल वही सब देखेंगे। आओ अब यहां पे जैसे कभी भी आप
नेशनल हाईवे पर टहलेंगे, ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल ये जरूर आता होगा कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो उसका जवाब आज हम देने वाले हैं। उसका जवाब है नेशनल हाईवे 7। ये जो है आपका बनारस से वाराणसी काशी जय महाकाल, वहां से निकलती है और जाती है कहां तक? कन्याकुमारी तक। तो यहां और ये जो है कुछ राज्यों से होते हुए जाता है, वो राज्य कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। आओ, सबसे पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मतलब बनारस तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो होता होगा ही होगा। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। तो ये कुछ राज्य हैं जिनसे ये नेशनल हाईवे 7 आपका निकलता है और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे 3 को देखते हैं। ये जो नेशनल हाईवे 3 है ये आपका जोड़ता है आगरा से मुंबई तक का, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, सवाल क्या पूछता हूं बता ही देते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं होगा, हम बता ही देते हैं। भारत में जो है बहुत सारी सड़कें आपने देखी होंगी, लेकिन 3 मेन प्रकार की सड़कें होती हैं। पहली जो होती है हाईवेज, आपको कहीं कहीं लिखा रहेगा केवल हाईवे, नेशनल हाईवे नहीं लिखा रहेगा। पहला हो गया आपका हाईवे वाला सिस्टम, हाईवे, और जो दूसरका है वो हो तो हर कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, ठीक है, और तीसरा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे, ठीक, हाईवे अलग होता है, नेशनल हाईवे अलग होता है, एक्सप्रेसवे अलग होता है। हाईवे क्या होता है? ये हाईवे जो होता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसका उसका जो मेंटेनेंस देखती है वो आपका वो आता है हाईवे के अंदर। मतलब जो सड़कें आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं उसे बोलते हैं हाईवे। और दो मेजर सिटीज, दो बड़े बड़े शहरों को जो रास्ता जोड़ता है उसे बोलते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है, और दो महानगरों को जो जोड़ता है उसे बोलते हैं एक्सप्रेसवे, ठीक। आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अभी हमने बताया नेशनल हाईवे 7 वो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, अब यहां पे सबसे छोटा कौन सा है? है सबसे छोटा जो है वो है नेशनल हाईवे 47A। ये मिलेगा आपको कहां पे? केरला में। केरला में ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है, और ये मिलेगा आपको विलिंगडन आइलैंड में। कहां पे? विलिंगडन, केरला में विलिंगडन आइलैंड है, वहां पे आपको ये नेशनल हाईवे मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब क्रॉसिंग ऑफ नेशनल हाईवे किसे बोलते हैं? मतलब वो जगह जहां पे बहुत सारे नेशनल हाईवे आपस में एक दूसरे को झिचुंग भिचुंग में से काटते हैं उसे बोलते हैं क्रॉसिंग। तो वो जो जगह है वो है आपकी कानपुर। कानपुर में जो है उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ नेशनल हाईवे। आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं। अवन सेतु इज ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज है जिसका नाम है अमन सेतु, और इस ब्रिज से जो क्या होता है आदमी या जो ट्रक्स होते हैं वो उस जगह से पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया है अमन सेतु, ठीक। आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं।
यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अमन सेतु कहां पे है। ये एक सवाल जो है अगला पॉइंट, ये एनडीए में सीधा सीधा क्वेश्चन दागा हुआ है, बिल्कुल सीधा। भारत माला प्रोजेक्ट क्या है? क्या भारत माला प्रोजेक्ट? असल में अगर हम पेनिनसुलर इंडिया देखें, कौन सा हिस्सा? ये वाला, नीचे वाला है ना, तो यहां पे जो है ये हिस्सा जो है इसे बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो जो भारत माला प्रोजेक्ट है इसका काम क्या है? जो कोस्टल एरिया से यहां पर जो बड़े बड़े शहर से, ये जो बड़े बड़े शहर से ना, इन बड़े बड़े शहरों को रोड से जोड़ना, ये और ये एक तरीके का, जब ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा तो ये एक तरीके का लगेगा कि भारत माता जो है वो एक जो है वो माला पहने हुई है, तो इसी के लिए इसका नाम रखा गया क्या, भारत माता का क्या माला। तो भारत माला प्रोजेक्ट, बात समझ में आई? भारत माला प्रोजेक्ट क्या है? कनेक्शंस ऑफ मेजर सिटीज इन कोस्टल एरियाज इज नोन एज भारत माला प्रोजेक्ट। आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने यह है कि भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है उसका सवाल, उसका जो है आज जवाब देने वाले हैं। एकदम टपाटप जवाब लेते रहो, ठीक, और लाइक शेयर करते रहो। आओ, भूपेंद्र हजारिका सेतु, उस ब्रिज का नाम है जो भारत का सबसे बड़ा है, और यह पड़ता है आपका आसाम जिले में। कहां पे? आसाम जिले में। और यह 9150 मीटर लंबा चौड़ा है, ठीक है। आगे की तरफ भैया बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे भूपेंद्र हजारिका सेतु लिखा हुआ है। सेतु का मतलब क्या होता है? सेतु का मतलब होता है ब्रिज। जैसे अभी हम लोगों ने आगे देखा उसका नाम क्या था, अमन सेतु था, वैसे ही ये भी सेतु है। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। जैसे प्रभु श्री राम सीता माता को जब लेने जा रहे थे तो रास्ते में पड़ गया समुद्र, तो समुद्र से जाए कैसे, तो हनुमान जी की सेना चली और पुल बनाई। जब पुल बनाई तो उसी को बोलते थे, उस पुल को क्या नाम था? उसका नाम था राम सेतु। तो वही सेतु से इसको बोलते हैं क्या, ब्रिज। सेतु का मतलब क्या पड़ गया? ब्रिज हो गया। आगे की तरफ भैया, जय महाकाल। आखिरी पॉइंट भैया, आखिरी सवाल यह है कि अभी तक तो हम लोगों ने सड़कें पढ़ ली भैया, सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे है वो मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वो जोड़ता है लखनऊ को आगरा से। लखनऊ और आगरा के बीच में जो रोड मिलती है उसे बोलते हैं एक्सप्रेसवे, और वो है, उसका नाम है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक, और ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। तो यहां पे हम समाप्त करते हैं हमारे नेशनल हाईवे के टॉपिक को। हमको लगता है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहना, ठीक, और कमेंट में बताना भैया मजा आया कि नहीं आया। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।